अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। ये कराची बोर्ड की न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और लॉगरिथम का चैप्टर है 2.1, मैंने सॉल्व करके उसके तमाम क्वेश्चंस अपलोड कर दिया है। आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। साथ साथ आपको अगर मेरे समझाने का तरीका या अंदाज़ अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो क्या लिखा हुआ है? सवाल लिखा हुआ है हमारे पास, राइट द फ्लोइंग इन द लॉगरिथम फॉर्म। और दूसरा सवाल लिखा हुआ है, राइट द फ्लोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या करना है आपको? आपको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर दिए हुए हैं, कुछ पावर में दिए हुए हैं, कुछ इस तरह के दिए हुए हैं। उसको आपको किस में लिखना है? लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो लॉगरिथम फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है? लॉगरिथम फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, हमारे पास लॉग लिखते हैं, लॉग ए, कुछ भी, यहाँ पे एक नंबर होता है और एक यहाँ पे एक नंबर होता है, ठीक है। इस तरह से इसको लिखने का तरीका होता है, लॉग ए, यहाँ पे एक नंबर होता है और एक यहाँ पे नंबर होता है। अब उसको तुम्हें मालूम करना पड़ेगा वो नंबर कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर जो लॉग की जो बेस होती है ना, उसकी वैल्यू कहाँ होती है? उसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल में ये वाली होती है, ठीक है। लॉग में जो बेस होते हैं ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो हमारे पास सबसे पहली वैल्यू लिखी हुई होती है ना, वो लॉग के नीचे वाली वैल्यू में आ जाती है। और क्या बोलते हैं, और जो पावर वाली वैल्यू होती है ना, वो कहाँ आ जाती है? वो इसमें आ जाती है, ठीक है। नहीं, इसमें नहीं, जो पावर वाली होती है वो इसमें आ जाती है, और इक्वल टू के बाद वाली जो वैल्यू होती है ना, वो इसमें आ जाती है। क्या? पावर वाली वैल्यू वो इक्वल टू के बाद चले जाती है, और क्या बोलते हैं, जो इक्वल टू वाली वैल्यू होती है वो इक्वल टू से पहले आ जाती है। तो मैं इसको आपको करके बता देता हूँ सही से, ताकि आपको समझ में आए, मसला ना हो। सिंपल सा है, इसको बस चेंज करना है, कुछ नहीं करना। आपने क्या लिखना है? पहले लॉग लिखना है, लॉग ए की वैल्यू जो थी, लॉग की जो बेस की वैल्यू क्या होती है, वो ये वाली होती है। जो भी आया नंबर लिखा होता है हमारे पास, क्या आ गया? सेवन आ गया। फिर एक इक्वल टू का निशान डाल दो, जो इक्वल टू से पहले है, इक्वल टू के बाद है, वो इक्वल टू से पहले आ जाएगा, 3, 4, 4। और जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो इक्वल टू के बाद आ जाएगा। सिंपल, सिर्फ ये करना होता है। इसको भी इसी तरह से करेंगे। हमने लॉग लिखा, जो पावर होगी ये वाली, ये जो नंबर होगा क्या होगा? बेस होगा, तो 3 आ जाएगा नीचे, इक्वल टू वाली वैल्यू इक्वल टू से पहले, और पावर वाली वैल्यू बाद में, -4। इसी तरह से इसको देख लो क्या लिखा हुआ है, 0.001 लिखा हुआ है। सबसे पहले तो लॉग लिखोगे, लॉग लिखने के बाद ये जो पहली वाली वैल्यू क्या होती है, वो बेस होती है, नीचे लिख दिया। लिखने के बाद इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू इक्वल टू से पहले 0.001 और -3 बाद में। कितना आसान सा सवाल था ये, जो आपने आराम से इसको सॉल्व कर लिया। आ जाए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसका एक क्वेश्चन नंबर 4 है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आएगा आपको तो मैं उसको वापसी रीराइट करके आपको दिखा दूंगा कि इसको किस तरह से करना है। वैसे वो भी बहुत आसान सा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो लिखा हुआ है, आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइट द फ्लोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लॉग में वैल्यू लिखी हुई होगी, उसको किस में लिखना होगा? इस वाली वैल्यू में लिखना होगा। तो आज जो पहली वैल्यू, अब पहला सवाल है आपके पास, लॉग 2781 इक्वल टू 4/3। चलो इसको ही सॉल्व करके दिखाता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्या इसमें देखा था ना आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था इसमें, कि ये वाली वैल्यू क्या होती है? बेस की वैल्यू होती है। तो बेस की वैल्यू कहाँ होती है? यहाँ होती है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 27 लिखेंगे, ठीक है, 27 लिख दिया। लिखने के बाद क्या करेंगे, जो आपके पास इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है? हमेशा पावर होती है। तो मैं क्या लिख दूंगा? 4/3 पावर में लिख दूंगा। और इक्वल टू से पहले वाली जो वैल्यू होती है वो कहाँ चले जाती है? इक्वल टू के बाद चले जाती है। तो सिंपल यही करना था, कुछ नहीं करना था, बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका ये है। एक और क्वेश्चन आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ताकि आपकी जो वो है कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो। लिखा हुआ लॉग ए 3, नहीं सॉरी ये वाला सवाल नहीं है, लॉग 2 1/8 इक्वल टू, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी और क्वेश्चन नंबर -3, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसको आप किस तरह से होगा? सिंपल, जो ये वाली वैल्यू होती है वो बेस होती है, जो सबसे पहले हम लिखते हैं, हमने लिख दिया। इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू क्या होती है? वो ऊपर आ जाती है, पावर में आ जाती है, और इक्वल टू से पहले वाली वैल्यू इक्वल टू के बाद आ जाती है। और इसमें कोई साइन का चेंज नहीं होता, सेम टू सेम वही साइन के साथ लिखा रहा होता है, क्योंकि हम इसको कुछ वो नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, बस इसको उस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल से बाकी क्वेश्चंस के आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो जो मुझे समझ में आया, मुश्किल लगा, उसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब हम 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें क्या करना है?
वैल्यू निकालनी है, किसकी, एक्स की निकालनी है। बहुत आसान, बहुत इजी, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, आराम से हम सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है आपको, सवाल जो लिखा हुआ उसमें क्या लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे, और जो सवाल लिखा होगा उसको वापसी उतार दोगे। लॉग 32 एक्स बराबर है 1/2। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लॉग की वैल्यू को चेंज करना होगा हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो सिंपल हमने बताया था जो बेस में जो वैल्यू होती है वो सबसे पहले लिखते हैं हम, जो लॉग के नीचे वैल्यू लिखी होती है जिसको हम बेस बोल रहे हैं सबसे पहले लिखते हैं। इक्वल टू के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाता है बेटा, ऊपर आ जाता है, पावर बन के आ जाता है। ये मेथड आप हमेशा याद रखना, और इक्वल टू से जो पहले वाली वैल्यू होगी वो इक्वल टू के बाद आ जाएगी। क्या एक्स की वैल्यू निकल गई 32 1/2, ये कितनी अजीब सी वैल्यू लग रही है, समझ ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना बिल्कुल समझ में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर है 1/2 मतलब रूट 32 ही होगा ना, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है हाफ, और हाफ किसकी वैल्यू होती है, रूट की। तो मैंने रूट लगा दिया उसके ऊपर और उसके अंदर लिख गया 32। या तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट करके निकाल लो रूट 32 तो उसकी वैल्यू आएगी 4√2, या फिर मैं आपको मैनुअली करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये होगा। हमारे 32 लिखा हुआ, हमने 32 लिखा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 2 यहाँ एक चलेगा, 2 6 12, 2 4 2 8 16, ठीक है, 2 4 8, 2 2 4, और क्या हो जाएगा बेटा, 2 1 2। तो हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5। हम क्या करेंगे, जैसे हम करते हुए बचपन से, इसके अंदर वैल्यू लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, क्योंकि 5 वैल्यू तो हमने 5 लिखा, जिसका पेयर बनेगा वो रूट से बाहर निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। तो मैं कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल जिसका पेयर बन गया उसको हम निकाल देंगे, एक पेयर बना, दो पेयर बना, तो हम 2 × 2 बाहर निकाल देंगे और एक अंदर ही रह जाएगा 2, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन सका था। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 4√2। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 4√2। तो ये सिंपल सा आंसर है। चलें आप इसको करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ, a लिखा हुआ है हमारे पास, बेस नीचे लिखा हुआ है, हम क्या लिखेंगे, a सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद, ठीक है, याद रखना, बल्कि सवाल को आप वापसी उतार लो। log a 3 बराबर है 1/2 के, जो ये a है वो क्या है, बेस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a लिखेंगे और इक्वल टू के बाद वाला जो सवाल है उसको इक्वल टू से पहले लेकर आएंगे, तो 1/2 हो गया, और जो इक्वल टू से पहले वो इक्वल टू के बाद आ जाएगा 3। क्या a की जो हमारे पास वैल्यू है 1/2, क्या वो 3 के बराबर है, ऐसा कोई आ सकता है आंसर, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इस तरह का आंसर आएगा। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको भी करने का तरीका आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने क्या करना होगा इसमें, हम क्या करते हैं, एक काम कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, हम एक काम करते हैं, दोनों में क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, इससे उसकी वैल्यू कट जाएगी, तो हम क्या लिख देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम क्या करते हैं, a लिखा 1/2 वैसे लिखा, और इसके ऊपर क्या कर दिया बेटा, स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू का निशान डाला, 3 लिखा और उसके ऊपर क्या कर दिया बेटा, स्क्वायर लगा दिया, 2 से यही 2 की वैल्यू कट गई, तो हमारे पास क्या आया, a, और 3 से क्या होता है बेटा, 9। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 9। बस किसी तरह से भी a की वैल्यू लानी थी, तो हमने कैंसिल आउट कर दिया और वैल्यू लेकर आ गए, कितना आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है।